ऐसा फील कर रही हूँ तुम्हारा भाई ड्राइविंग कर। अभी तो गाड़ी चलेगी तो पता चलेगा, वैसे तो मैं डर रही हूँ। ना सुधरेगी बस, है ना, ये नहीं सुधरेगी बस, बाकी सब सुधर जाएंगे, है ना रबिया। अम्मा इतने पैसे मुझे भी दे दे थोड़े से। टीम करो बिना, ये इतने कंजूस है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं ना कंजूस, तो मुझे मेरे लिए तो मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है ये चीज़। बहुत कंजूस है और सबसे महा कंजूस से लो, अगर ये नहीं होगा तो ये अकेली हमें खाते हुए देखेगी, हमने इसको नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो हमारी सुबह हो चुकी है, थोड़ी लेट हुई है, अभी छुट्टियां है ना, तो अभी यही होगा हिसाब सबका। एंड हियर इज माय मामा। और मामा वालेकुम अस्सलाम। मामा जो है ना, अब अभी अपना पी रही हैं। डॉक्टर ने क्या कहा था, विनेगर पानी में, विनेगर जो है ना पानी में डाल के पीना। तो मामा अपना पहले उठते साथ ही नाश्ता नहीं किया और ये पीने पी लीजिए, जल्दी जल्दी खत्म करें यार फटाफट से। और ये देखो, ये आपको फिर यहीं पे लेटा हुआ मिल रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? उठो अभी, आपको पता उठ गया था ये, जैसे मैंने ब्लॉग शुरू किया फिर लेट गया, मुँह हाथ धो के भी आ गया। खाना लाओ ना तब उठेगा ये, उससे पहले हाँ उठो अली, उठो फटाफट से, गेट अप। ये देख लो मामा सुनता नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा मामा नाश्ते में क्या है, आप बहुत भूख लग रही है। चने और थोड़ा सा सादा है, अंडा खाने का नहीं, मैं अंडा तो खाती नहीं बस। ठीक है फिर नाश्ता करते हैं फटाफट से। सो फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता जो है वो लग चुका है, पराठे अली लेकर आया। अली पराठे निकालो फटाफट से। और ये मामा ने सालन बनाया था रात का, ये बचा हुआ है, और साथ चाय मज़े मज़े की। और हमारे घर जो है वो लाइट गई हुई है सुबह 6:30 बजे से, आज बारिश होने की वजह से। 6:30 जल्दी बोल रही, मतलब काफ़ी देर से लाइट गई हुई है और अभी भी बहुत टाइम हो चुका है। और हम इंतज़ार कर करके लाइट आ जाए फिर नाश्ता करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, लेकिन नहीं लाइट नहीं आ रही। हमने कहा जो नाश्ता तो करना है ना, तो अली जो है वो ले आया है पराठे, ले आया है वैसे सालन वगैरह सब कुछ था हमारे घर में। और मामा खाएंगे फ्राई अंडा। तो बस हम लोग नाश्ता करने लगे हैं और आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो आप लोग भी ज्वाइन कर लें। ये देखें चलो, और साथ में अली ने लैपटॉप में जो है कुछ लगा रहा है, हम देखते हैं। ठीक है डन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुका है, अभी जो है मैं ट्यूशन से आई हूँ और अभी चलते हैं घर के अंदर। और ये रहे हमारे पर्स, चलो चलो चलो। हियर इज माय मामा। वालेकुम अस्सलाम मामा। आपको पता है बाहर दिखने में तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो हब्स हो गया कल की बारिश की वजह से बहुत बुरा हाल हो चुका है यार, बहुत ज्यादा। कल जो है बारिश की वजह से जब लाइट गई ना, तो मैं व्लॉग कंटिन्यू कट नहीं कर पाई, तो आज ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे मेरे को चलो 2 दिन का व्लॉग जो है ना एक साथ डाल देती हूँ, क्योंकि लाइट जाने की वजह से ना हम पूरा दिन लाइट चेक गई हुई थी, और सुबह 4 बजे की गई थी लाइट और रात को 9 बजे आई है, और हमारे मोबाइल्स डेड हो चुके थे। यूपीएस बेचारा पहले फोर्थ हो चुका था तकरीबन 2 बजे के करीब, डेढ़ बजे बंद हो चुका था। शुक्र उससे पहले हम नाश्ता वगैरह कर चुके थे, फारिग हो चुके थे, उसके बाद पूरा दिन हम लोग गर्मी में बैठे हाँ, और कल पढ़ा भी नहीं पाए हम लोग बच्चों को। बच्चे जितने भी आए मैंने कहा बेटा लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। हमारी तो आंटी आ रही है, हमारी तो आ रही, मैं हैरान, मैंने कहा ये हमारी ही क्यों नहीं आ रही। मैं बाद में पता चला सिर्फ चंद घर थे जिनकी नहीं आ रही थी, बाकी सब घरों की आ रही थी। बिल्कुल, तो मैं भी जो है कल नहीं ट्यूशन पढ़ाने जा पाई, तो अभी जो है मैं ट्यूशन पढ़ा के बस आई हूँ। और अली साहब मुझे लगता है वॉशरूम में घुस गए आते साथ ही।
मामा बहुत शदीद वाली भूख लग रही है, सुना लगी घर से मुझे भूख लग रही थी लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, प्लीज कुछ खाने को दे दे। खाना नहीं पसंद यार मामा, मुझे था बन चुका होगा खाना, बना भी खाता काम रहता है, कुछ खाने को दे दे, बहुत शदीद भूख लग रही है। वॉशरूम से निकलता तो मैं कुछ भेजती हूँ प्लीज, बहुत शदीद वाली भूख लगी हुई है, इतनी बुरी हालत हो रही है ना भूख के मारे। सुबह भी जब मैंने नाश्ता जो है वो मैंने इतना ज्यादा नहीं किया, मैंने आधी रोटी खाई है मुश्किल से। हाँ आपने भी नहीं किया, आपको तो करना चाहिए, डॉक्टर ने कहा था ख्याल रखें अपनी चीजों का। इतना ज्यादा भी नहीं खाया जाता है, अब इनका वो आटा चेंज हुआ है ना, आटा चेंज होने की वजह से वो एक इंसान की वो नहीं होती ना, टेस्ट बर्ड नहीं बैठ रहे होते, तो अभी बैठेंगे टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस इतने फूडी हैं, बहुत फूडी हैं हम लोग, बहुत ज्यादा फूडी हैं। तो बस अभी अली याद है तो फिर कुछ मामा कह रही हैं मैं खाने का इंतजाम करवा, प्लीज कुछ मंगवा ही दें क्योंकि घर में अभी पहले खाना बन रहा है और अगर और भी कुछ मैं बनाऊंगी तो और हीट हीट हो जाएगी, कोई हालत नहीं। तो बस जैसे ही अली आता है कुछ खाने को आता है तो फिर आपसे मिलते हैं। ओ फाइनली यार, बहुत शदीद भूख लग रही है। क्या लाए हो? चिप्स लाए और समोसे लाए। चिप्स और समोसे, हाँ यार प्लीज अभी फिलहाल सहारा कर लो। हाँ बहुत शदीद भूख, खाना बना ठीक है, बना कर पारी कर, प्लेट्स वगैरह भी ले आओ यार, चलो फटाफट से निकाल दो जल्दी जल्दी जल्दी, बड़ी भूख लगी है। चिप्स चिप्स ओके यार, इनकी जो सॉस है ना ये बहुत यम्मी होती है, बहुत मिक्स करके बनाते हैं। आप निकाल रही हैं? चलो आज मेरी ड्यूटी मामा निभा रही है। चलो मुझे लगा तुम ही खोलोगी क्योंकि मुझसे खोल नहीं रहा। आप नहीं खोल रहा, चले मैं ही कर देती हूँ फटाफट, नहीं मैं कर देती हूँ फटाफट से निकाल देती हूँ, दे दे मुझे। सॉस मैंने निकाल लिया, ओए होए ये है मलाई बोटी समोसा, इतने मजे के होते हैं ना यहाँ के कि मैं और अली जो है ना वो अक्सर यहाँ, मैं अली और मामा हम तीनों अक्सर यहाँ के खाते हैं और कभी कभार बाबा को भी हम जो है ना यहाँ के खिलाते हैं, लेकिन बहुत ही यम्मी, ये बड़ी अच्छी शॉप है हमारे घर के पास नहीं लेकिन थोड़ी सी दूर, बहुत ही ले तुमने खाया भी शुरू कर दिया, कितनी बड़ी बुरी बात है, मैं भी खाऊंगी नहीं भी आए हाय। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मजा आ गया, खा ले फिर आपसे मिलते हैं। The next day. So friends, फिर नेक्स्ट डे हो चुका है, नेक्स्ट डे आपको मैं मिल रही हूँ, पता नहीं क्यों कितने दिन से ये व्लॉग मेरा चल रहा होगा। ऊपर चलते हैं, भाई जो है ना आज उसकी बर्थडे है, किधर है भाई? Here is भाई, हमारा बर्थडे बॉय, और यहाँ पे कामों पे लगा हुआ है, अल्लाह अपने बाजू पे भी लगा लिया, हो गया तो लग जाता। किधर है? ओ तो सामने ना वो का पिंजरा बनवाया, इसको पेंट कर रहा था, नाइस पिंजरा गुड। मामा भी आ गई है नीचे और निकी भी आ गई, हम इब्तिसाम की बर्थडे के लिए आए हैं सबरीना खाला के घर, तो बेचारा वो ऊपर काम कर रहा था, आज इसका पूरा दिन सिर्फ काम काम में गुजरा है। सम बर्थडे वाले दिन काम किया तुमने बहुत, तुम्हें देखना मेहनत का फल मिलेगा। हाँ ये वो है ना मिट्टी का केक, मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत से हैं यार, एक एक ये हर जगह इतना मजा आ रहा है। बाय एंड हियर आई एम, चलो चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स अब हम नीचे आए हैं तो निकी और आए हाय शाम भी नहा के आ गया है, हैप्पी बर्थडे बॉय, ऊपर अब बेचारी की इतनी बुरी हालत हुई हुई थी, हैप्पी बर्थडे बेटा, बर्थडे हैप्पी बर्थडे भाई, स्वीट 16 का हो गया फाइनली माशाल्लाह, हैंडसम बॉयज बनते जा रहे हैं माशाल्लाह से हमारे बच्चे, ये बात है ना, ये ना सुधरेगी बस, है ना ये नहीं सुधरेगी बस, बाकी सब सुधर जाएंगे, है ना रबिया? वालेकुम सलाम भाई, इतने पैसे मुझे भी दे दे थोड़े से, ले लीजिए प्लीज, दीदी है बर्थडे का गिफ्ट, आए हाय हाय, तरक्की करो, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अब निकी ने भी, निकी ने भी अपना बैग खोल लिया, निकी हम लोग भी अब लाइन में लगे हैं, मेरे पास पैसे निकाल के लिफाफा दे देना, और कुछ भी
आपने कहा था मैं कुछ और भी दूंगी। निकी मेरी बर्थडे भी अभी आने भी वाली है, गुजर भी चुकी है। मैंने माना कभी भी नहीं किया आपने। अच्छा हमने पैसे निकाल लिए। बंदा कुछ छोड़ ही देता है। पैसे हो गए बेचारे। बाबा ने काम आज काफी कर दिया आपका। हाँ अच्छी बात है, सेविंग्स करो, गुड अच्छी बात। हम लोग शेर है, यकीन करो मीना ये इतने कंजूस है। देखिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं ना कंजूस, तो मुझे मेरे लिए तो मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है ये चीज़। बहुत कंजूस है और सबसे महा कंजूस। 50% तो है ना मट्टा। 50% हाँ 50% अपने सारे काम पूरे करवा लेती है। हाँ। पैसे अपनी जगह पर से। कपड़े लेने बाप से, चीजें लेनी है, खाना पीना है बाप से, फला बाप से, ये बाप से, उनसे, और सारे पैसे ना जमा कर रही है। अच्छा बाबा वो मेरे बैंक पर रखवा दिए थे पैसे, अब ये हो गया था वो हो गया। एक दिन हमने कहा कि पार्टी करनी है, सब ना 200-200 रुपए मिलाएंगे, तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है हम निकाल लेंगे। हम सब ने भी कहा 200-200 रुपए, इराफे ने भी कहा बल्कि मैं निकाल लूंगा। ये कहती अच्छा मैं बाबा रात को आते हैं उनसे लेती हूँ, खुद के नहीं निकालने। आपको पता है क्या हुआ है, अभी ये महीने का लास्ट था ठीक है, तो हीरा ने कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं। उस क्या बना हुआ नहीं, बच्चों ने कहा नहीं बना हुआ था, बच्चों ने कहा मामा कुछ खिला दे। मैं कहा तुम्हारे पास पैसे है तो खा लो भाई, मेरे पास एक्स्ट्रा। तो फिर बच्चों ने ना अपने ये दोनों भाइयों ने ना अपने खुसर पुसर की, कहा हम अपने पैसे देते हैं बर्गर मंगा लेते। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। हीरा ने कहा तुम भी अपने पैसे दो। मैं अच्छा ठीक है। हीरा ने कहा मैं भी अपने पैसे निकाल रही हूँ ठीक है। हमने कहा सब अपने निकालते। इससे कहा कहती मैं खाऊंगी ही नहीं, पैसे निकालने पड़ने थे। पता था कि अगर ये नहीं लेगी तो कोई ना कोई कोई ना कोई तो दिलाई देगा, दिला देंगे। मैंने भी हीरा से बैठा, हीरा इसको आदत होनी चाहिए देने की, बड़के से लो अगर ये नहीं होगा तो ये अकेली हमें खाते हुए देखेगी, हमने इसको नहीं देना। आई अल्लाह इतनी मासूम है। 50% दिया था जितने पैसे थे इसने, तो मेरी बात सुनो वो छोटी है वो छोटी है यार, कुछ नहीं होता। मिलकर मेरी बच्ची को खिलाना चाहिए था। अगर सब 50-50 में मिलाते तो बेचारे का बर्गर होती है ना, जो बच्चों को आदत शेयरिंग की होती है। सही बात, ये तो बात है, नो डाउट इट्स नो डाउट, ये बात तो है। चलो कोई नहीं, निकी बच्चे हैं यार, छोटे बच्चे हैं। मैं अपने घर की छोटी हूँ, मैं फिर कौन की जब बच्चियाँ और महीना देंगी मेरे और बेटी देंगे। ये बात तो है कि हमें देना चाहिए, तुम्हें नहीं देना चाहिए। आप तो बस नहीं है, कभी कभार तो खिलाना ऐसा ना कहो। सो फ्रेंड्स जिंदगी में पहली दफा हम जकी उस्मानी के साथ गाड़ी पे बैठ रहे हैं। बैठ आगे बैठोगे? पागल नहीं, मैं इधर बैठती बीच में। ओए यार ये शीशे के बाउल पड़ रहा है, तुम पकड़ोगी अब। मामा बैठ रही है। ओए ओए जकी साहब, चलो जकी उस्मानी बिस्मिल्लाह। पहली दफा कैसा फील कर रही हो तुम्हारा भाई ड्राइविंग का? अभी तो गाड़ी चलेगी तो पता चलेगा, वैसे तो मैं डर रही हूँ। मुझे ट्रस्ट है इसमें। नहीं ट्रस्ट तो मुझे सबसे पहले मैंने इसको देखा था गाड़ी चलाते हुए। बस बस ध्यान से चलाना। मैंने ट्रस्ट चलाई भी अरे वाह जकी उस्मानी माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। यहाँ तुम्हारी क्या चल रही है? वाली नहीं शीशे वाली है। जकी तुम्हारे साथ कौन कौन बैठ चुके अब तक? ये डाने ले आने दे रही, कॉपीराइट आ जाएगा मेरा। मामा भाई रबिया सब बैठे हुए, चाचू। अरे वाह सब बैठे हुए, सब जबरदस्त। निकी बैठी नहीं है? हाँ बहुत दफा। अच्छा जकी माशाल्लाह से जितनी तुम अच्छी गाड़ी चला रहे हो, मैं तो कहती हूँ हुंजा तुम हमें गाड़ी पे ले चलो, क्या ख्याल है? तुम चुप करोगी ना, आती हमारे साथ, नखरे खत्म नहीं होते इसके। है जकी चला सकते फिर हुंजा तक? अरे वाह एक ही कहेगा स्टीयरिंग मेरा वाला। अपने भाई का मजाक उड़ा रहे, शर्म नहीं आती तुम्हें? आपका तो शर्म दही ले रहे हैं, सब्जी लेनी है, दोनों चीजें यहाँ से ले लो। दही यहाँ से ले। तुम्हारे पास है चौथा गज का सूट? नहीं है, चाहिए रबिया। कायदे आजम ऐसे तुम्हें फजूल में तुम्हें आजादी उन्होंने बेचारों ने दिलाई है, रहती तुम वहीं पे सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सुहीर में
आप लोग नानी आप लोग देखो ना इसको सबर नहीं हुआ देख रहे हो अपनी बहन को तो नहीं हुई नानी हमने नहीं लेने को तो मैं दोबारा हम इंडिया जाऊंगा पैसे मेरे पास हैं ठीक है इंडिया की मैगी खानेंगे इंडिया की मैगी खानी है सेम मैगी होती है वहाँ पे भी और यहाँ पे नहीं ली क्या लेने जा रहे हो दही लेने ओके हेलो रबिया की झोली भरी जा रही है रबिया तुम्हारी झोली में क्या क्या कुछ भर दिया गया है और क्या भरना चाहेंगी इसमें पिज्जा यहाँ पिज्जा की दुकान है कह रही है पिज्जा भर दो लो भाई फाइनली जकी सल हमें बहुत अच्छे से घर सही सलाह इतनी जल्दी नहीं आने वाली मोटी रोशनी लाइट पे ले बस अब इस रबिया आइंदा से मेरे ब्लॉग में नहीं आएगी रबिया ने कह रहा हां फजूल बातें नहीं करो रबिया ने खुद कर दे बात दे नहीं तेरी तू चलो चले जकी वेरी वेल डन माशाल्लाह भाई माहिर हो गया बस जबरदस्त सीखने का कुछ नहीं है जकी लड़का जवान हो गया हमारा जकी लड़की ढूंढते हैं क्या ख्याल है नहीं चलो भाई अब घर आ गए चलो अंदर और अब हम आ गए हैं भाई के लिए केक लेने कौन सा वाला केक लेना है भाई यहाँ पे रे ये कितने मजे का लग रहा है ना है ना केक्स कौन से हैं अच्छे खासे केक्स पड़े लोटस केक है लोटस केक रबिया मैडम की पसंद का क्या कह रही हो नहीं टेस्ट अच्छा था खाया था तुमने हाँ अच्छा ये कितने मजे का लग रहा है लेकिन मुझे मैं खाऊंगी एक भी नहीं क्योंकि मुझे एक भी पसंद नहीं मीठा पसंद ही नहीं है ये कितने क्यूट लग रहे हैं पाइज है आई थिंक सो टार्ट है टार्ट चॉकलेट ये पाए रबिया कंटिन्यूसली जिद कर रही है ये दिला दे निकी से कह रही थी पहले और अब मामा से कह रही है मैं नहीं पीती जिद कर रही है चलो और केक लेके हम लोग हमने टेटू लिए हैं हमने डाल चक 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 सारे डाले तो इधर जाना हम आए हैं रबिया वगैरह की शॉप पे निकी देने गई है कपड़े लेकर आएंगी किसके कपड़े देने मैं शॉप पे मैं बोलते राम भाई की है हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर इक्तसाम हैप्पी बर्थडे टू यू मेरा तो सब खाए थैंक यू हम लोग घर आ चुके हैं और बस ये दो तीन दिन का व्लॉग जो है ना अब एंड होता है होपफुली आपको अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ आप सब अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ फी अमानिल्लाह